इंडिया में। मैं इस वक्त आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता। आज हम बात करेंगे मुद्दे की। आज इस खास प्रोग्राम में हम नगर निकाय चुनाव की बात करेंगे, क्योंकि नगर निकाय चुनाव प्रदेश में अब धीरे धीरे नजदीक आ गया है। उस हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा लगता है कि नवंबर में चुनाव हो भी सकता है। आज चुनाव के इस दौर में हम बात गोरखपुर जनपद से करने वाले हैं। गोरखपुर जनपद राजनीति का इस समय प्रदेश में अखाड़ा बन चुका है। यहीं से सूबे के सुल्तान योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, इसलिए गोरखपुर जनपद से भी आज हमने शुरुआत करने की सोची है। नगर निकाय चुनाव आने वाले 2019 के चुनाव के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह विधानसभा चुनाव में 325 सीटों के साथ सत्ता में आई थी, तो देखा जाएगा कि 6 महीने बीतने के बाद क्या भाजपा की लहर अब भी कायम है या स्थितियां बदली हुई हैं। 2019 के लिए चुनाव काफी एक परीक्षा की नजर से भी देखा जा रहा है। योगी की भी परीक्षा हो रही है और बीजेपी की परीक्षा हो रही है। आज इसी के तहत हम गोरखपुर जनपद के बढ़ल नगर पंचायत से एक प्रत्याशी के तौर पर हमारे साथ मौजूद है श्रवण जायसवाल जी, जो पीस पार्टी से संबंध रखते हैं। पीस पार्टी से इससे पूर्व भी वह नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं और पुराने इनसे घर के फैमिली मेंबर भी नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में गीता देवी जो चेयरमैन भी रह चुकी हैं, उनके प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। आज इनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे, तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया के इस खास प्रोग्राम में। हम शुरुआत करना चाहेंगे कि मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बावजूद आप सभी लोग पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है कि चुनाव की तैयारियां जोर शोर पे चले, तो किस नजर से आप देखते हैं इसे? चुनाव की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं जनता के बीच में। जनता जब भी चुनाव का अधिसूचना जारी हो, लेकिन लगने के लिए जनता के बीच में तो हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। जनता के बीच रहने वाले हैं, जनता के बीच रहेंगे। जनता जिसको चाहेगी, सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं चुनाव में। जनता जिसको सर्वोपरि समझेगी उसको अपना चाहेगी। जाहिर है, आपने कहा कि जनता जिसको चाहेगी, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। जनता ही राजनीति में, लोकतांत्रिक देश में जनता जनार्दन का निर्णय सर्वोपरि होता है। और एक सवाल हमारा ये है, आपने कहा कि लोग लगे हुए हैं जनता के बीच में, जनता जिसको चाहेगी बनाएगी, जैसे अधिसूचना जारी होगी। लेकिन अधिसूचना जारी होने से पहले भी आरक्षण को लेकर के कौन सी सीटें सामान्य होंगी, कौन सी सीटें पिछड़ी होंगी, इसकी भी घोषणा नहीं हो पाई है। तो इस नजर से आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो? सकता है कि आप जैसे कि पिछड़ी वर्ग से हैं, आते वक्त महिला सीट होता है या सामान्य भी हो जाता है या अनुसूचित हो जाता है, तो किस नजर से आप इसको लेकर के चलेंगे? अनुसूचित होगा तो जो प्रत्याशी होंगे अनुसूचित जनता के सेवक है, जनता के बीच हमेशा लगे रहेंगे, जनता की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। देखिए, बात आप जनता की सेवा की कर रहे हैं, तो हम जनता से जुड़े ही सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हमारा पहला सवाल है, अगर आप प्रत्याशी होते हैं, अगर सामान्य सीट होती है, पिछड़ी सीट होती है जो भी, तो क्या ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? जनता आप पे क्यों भरोसा रखे? इन सब चीजों को लेकर के आपके पास क्या योजनाएं हैं, दर्शकों को बताइए। बहुत सी योजनाएं हैं, योजनाएं जैसे नगर पंचायत में पानी की किल्लत, नाली की किल्लत, पानी निकासी की किल्लत, राशन कार्ड की किल्लत, वृद्धा विधवा और वृद्धा पेंशन की किल्लत, विकलांग पेंशन की किल्लत। तो हमारा लक्ष्य है कि चुनाव हम जीतेंगे, जितनी भी पूरे नगर पंचायत की नालियां हैं सारा सीवरेज बनाएंगे, सारी नालियों को एक करेंगे, सीवरेज बना के सीधा उसको एक रूप बनाएंगे सीवरेज। जितने भी पानी से लोग पीड़ित हैं, पानी के लिए लोग परेशान हैं, हर एक 3-4 मकान के लिए एक समर सेबुल हम करवाएंगे। और जो लोग पात्र हैं उन लोगों का राशन कार्ड बनवाएंगे, जो लोग पात्र हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब करवाएंगे। जाहिर है, चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा या राजनीतिक लोगों के द्वारा वायदे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है, चुनाव के बाद जीतने के बाद जो प्रत्याशी होते हैं वह दिखाई नहीं देते, जनता ही कहती है ऐसा हम नहीं कह रहे, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस वक्तव्य? अब जो लोग दिखाई नहीं देते बातें अलग है, लेकिन हम लोग तो जनता के बीच हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे।
चलिए उम्मीद करते हैं हम भी कि आप जिस प्रकार से बारिश के माध्यम से जो कह रहे हैं कि जनता के बीच रहेंगे तो जनता के लिए सौभाग्य होगा कि उनका जनप्रतिनिधि उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा। लेकिन एक सवाल आपके ऊपर है, बार बार जनता के एक आरोप आपके ऊपर लग चुका है और नगर की जनता भी इससे रूबरू है, आप भी उस आरोप को समझ रहे होंगे, होटल्स को लेकर के एक गैंगरेप का आरोप था आपके ऊपर, तो ये हो सकता है आपके लिए आरोप जो विपक्षी लोग हैं आपके लिए उस आरोप को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, तो आरोप को जनता के सवालों का कैसे आप जवाब देंगे? जनता के सवालों का जवाब क्या देना, जनता खुद जानती है आरोप एकदम निराधार था, हमारे विरोधियों की साजिश थी, बिना वजह हमको फंसाया गया था, कोर्ट ने हमको खुले पर ही कर दिया। नगर की जो समस्या है जी, साफ सफाई, नाली, सीवरेज की आपने बात की, शुद्ध पेयजल, तमाम ऐसी योजनाएं आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जनता को मुहैया नहीं हो पाता है। नगर में जब घूमते हैं जनता के इसको लेकर तमाम तरह की गंदगियां सड़कों पे फैली होती हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो नगर की जो जनता है इसके प्रति कार्य योजना किस माध्यम से आप उस दुर्गंधियों को दूर करेंगे, कार्य योजना क्या रहेगी आपकी, क्योंकि कार्य योजना सभी लोग करते हैं कि हम आएंगे तो सड़कों को साफ कराएंगे, नालियों को समस्या दूर होगी, पानी की समस्या दूर की जाएगी, वृद्धा पेंशन की समस्या दूर किया जाएगा, तो क्या माध्यम होगा आपका? माध्यम यही होगा कि जो हमारे कर्मचारी नगर पंचायत के हैं, नगर पंचायत के कर्मचारियों से दो रोस्टर में जैसे सुबह और दोपहर सफाई कराया जाएगा, सफाई भी कराएंगे। और देखिए घाटों पे जैसे गंदगी है, शिवाला घाट से लगा है पूरे हनुमानगढ़ी तक, हम पूरे घाट को जोड़ेंगे और वहाँ से शिवाला घाट से लगा है पुरानी हनुमानगढ़ी तक सारे घाट को इकट्ठा करके वहाँ से वहाँ तक पूरा घाट बनवाएंगे। और साफ सफाई तो एकदम तो दोनों टाइम किया जाएगा, जनता को पानी तीन टाइम चार टाइम पानी दिया जाएगा हमारे, और पूरे नगर पंचायत में एक ही पानी की टंकी है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, वो भी पानी की टंकी ग्राम सभा बेलिया में है, जो पानी की टंकी है ग्राम सभा बेलिया स्थित में है। और वो अभी धन्यवाद बनाइए पूर्व मंत्री पंडित हरशंकर तिवारी जी का, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री रहते हुए नगर पंचायत को अपने विभाग में से सुपुर्द किया था पानी की टंकी, उसी पानी की टंकी का पानी को पीते हैं पूरे नगर पंचायत के लिए। मेरा सवाल है कि कुछ योजनाओं पे धन तो खर्च होता है, काम भी होता है, लेकिन उसका जो रख रखाव है निम्न कोटि का हो जाने से जनता के लिए वह जो काम है सकुशल ढंग से उम्मीद के तौर पर वो नहीं मिलता। जैसे मैं उदाहरण ले दूं, आपके कस्बे में वाटर कूलर कई स्थानों पे लगाया गया है, काफी धन खर्च किए गए, जनता को लगा कि हाँ सड़कों पे जिस प्रकार से वाटर कूलर लगाया गया था तो गर्मी के सीजन में शुद्ध जल और ठंडे जल शीतल जल मिलेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उचित रख रखाव होने की वजह से, तो किस नजर से आप इसे देख रहे हैं? वाटर सरकार के धन का जो है ये धन का दुरुपयोग है। अगर वाटर कूलर लगवाएं उसका रख रखाव नहीं कर रहे हैं, वाटर कूलर लगवाएं, मोबाइल शौचालय मंगवाएं, हम जेसीबी मंगवाएं नाली सफाई कराने के लिए और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका रख रखाव नहीं कर रहे हैं, तो धन का दुरुपयोग ही है। अगर हम मंगाए हैं तो हम कर्मचारियों से अपने उसका रख रखाव कराएंगे, वाटर कूलर है अगर खराब होता है तो तुरंत उसको रिपेयर करवाएंगे बनवाएंगे ताकि जनता को पानी हमेशा मिलता है। वाटर कूलर लगा है कि ठंडा शीतल जब पब्लिक को मिलती रहे, पब्लिक पानी पीती रहे, अब जब वह खराब हो जाएगा हम बनवाएंगे ही नहीं तो कहाँ से पब्लिक पानी पीना, यह तो कर्मचारियों की गड़बड़ी है, जो प्रेजेंट में जनप्रतिनिधि है उनकी गड़बड़ी है। बढ़ल कस्बे की एक और सबसे बड़ी जो समस्या है वो मेन रोड पर अतिक्रमण को लेकर है, आए दिन हमेशा अतिक्रमण की वजह से जनता को अगर आपके मेन रोड से लेटाघाट की तरफ जाना हो तो काफी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है और बारिश के सीजन में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, इतने कचड़े हो जाते हैं कि लोगों के चलना दुश्वार हो जाता है। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि मेन रोड होने के नाते वहाँ पे सब्जी वगैरह की दुकानें भी लगती हैं, पुलिस स्टेशन भी है, अतिक्रमण बहुत है, तो अतिक्रमण को आप किस नज़र से देखते हैं, अतिक्रमण की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? अतिक्रमण
तो है ही, लेकिन वह गरीब पटरी व्यवसायी है, उनकी परमानेंट व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगर पंचायत की, उन लोगों की भी गरीब पटरी व्यवसायियों के लिए हम परमानेंट अस्थायी व्यवस्था नहीं करेंगे, ताकि वहाँ से अतिक्रमण हट जाए, वह एकदम व्यवस्थित हो जाए, वह लोग एकदम अस्थायी व्यवस्थित हो जाए, ताकि उनका रोजी रोजगार चलता रहे और अतिक्रमण भी रास्ते में न हो। उनके लिए शायद एक मछली घट्टे के पास जो सब्जी मंडी है अस्थायी वहाँ पे खड़ी नंबर 306 या 307 पर उनकी व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन आज भी शायद वहाँ पे बुलाया था अवैध निर्माण और सुपुर्द नहीं किया, कि क्या वजह है कि उनको सुपुर्द नहीं किया जा पा रहा है? सुपुर्द किया नहीं जा रहा है, वहाँ जगह जगह लोग कब्जा किए हैं, वहाँ जगह जगह लोग कब्जा किए हैं, वहाँ शराब भट्टी है, वहाँ शराब भट्टी है, उसके बाद कुछ सब्जी वाले लोग वहाँ फुटपाथ व्यवसायी गए भी, कुछ लोग नहीं गए, इसलिए उन लोगों का वहाँ व्यापार चला नहीं, तो वह लोग विभाग के दिन में रोक दिया गया। यह समझ लीजिए यहाँ के व्यापारियों की गड़बड़ी, अगर सारे लोग वहाँ एकजुट फुटपाथ व्यवसायी सारे लोग इकट्ठा वहाँ एडजस्ट हो गए होते तो वहाँ आज चलता, आज जो लोग कब्जा किए हैं वह लोग कब्जा खाली किए होते तो उसी तरह हो गया होता, यही कारण है आज तक सुपुर्द नहीं हुआ। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो बढ़लगंज में नगर पंचायत का जो चुनाव होगा जी, किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा, क्या मुद्दे होंगे, वर्तमान चेयरमैन है ही क्या ऐसी योजनाएं जो वो नहीं कर पाए उनके खिलाफ आप क्या मुद्दे लेकर के आप जाएंगे कि जनता के बीच क्या वो मुद्दे होंगे जिसके बीच चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप कई लोगों ने आपने भी लगाया है, कई अन्य लोगों ने भी लगाया, उनका भी सीधे तौर पे कहना है कि पूरे आरोप जो है निराधार है, किसी भी प्रकार के ऐसे आरोप मनगढ़ंत आरोप है राजनीतिक, तो किस नगर से क्या मुद्दे होंगे जो बढ़लगंज में चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दा यही है, एक चेयरमैन का काम है, एक जनप्रतिनिधि का काम है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, न कि सरकारी संपत्ति की रक्षा की गई है बल्कि सरकारी संपत्ति को लुटवाया गया है, और भोले भाले कस्बे के व्यापारियों से करोड़ों रुपया लेके भोले भाले व्यापारियों को फंसाया गया, उसमें सरकारी जमीन को बेच दिया गया, जैसे आप ले लीजिए संगम सिनेमा हॉल के पास साईं बाबा का मजार का जमीन, मजार के पास जमीन उसको बेच दिया गया, सब तो छोड़िए काली जी को बेच दिया गया, जो काली मंदिर है वह आज भी कागज में काली माता मंदिर के नाम से है, उस काली जी के मंदिर को बेच दिया गया। चेयरमैन का काम है सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, मंदिर की रक्षा करना, मस्जिद की रक्षा करना, पब्लिक की रक्षा करना। इन्होंने बात कर रहे हैं कि पब्लिक की रक्षा करना, सरकारी धन संपत्ति की रक्षा करना, उम्मीद है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं जी, तो जनता के भरोसे पे कदम से कदम ताल से ताल मिलाकर के उनके भरोसे पे खड़ा उतरेंगे। सक्षम न्यूज इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद, जीत की अग्रिम शुभकामनाएं हमारे तरफ से कि अगर आप जीतेंगे तो जनता के प्रति अपने जितने भी वायदे रखे हैं, जितने भी बात कही है उस वायदे पे आप कायम रहेंगे। सक्षम न्यूज इंडिया से गोरखपुर के आज के लिए इतना ही, फिर एक नए प्रत्याशी के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए राजनीति के साथ हम आपके बीच होंगे, तब तक देखते रहिए सक्षम न्यूज इंडिया।